मेरे को पिछले 6 सालों से पेटस हर्निया और एसिडिटी रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। इस 24 घंटे की नली डालने के बाद मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, खाना पीना अच्छे से खाया, कोई परेशानी नहीं हुई। सर्जरी के 2-3 घंटे बाद मैं घूमने फिरने लगा, लिक्विड और खिचड़ी उचड़ी भी लिया, खाने पीने में कोई तकलीफें नहीं है और मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। मुझे बिल्कुल आराम है, कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं सब कुछ खा सकता हूँ। अब एंटासिड दवाइयाँ भी मेरी बंद हो गई है। मेरा नाम MD महताब आलम और मैं बिहार का निवासी हूँ। मेरे को पिछले 6 सालों से पेटस हर्निया और एसिडिटी रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। तो मैंने YouTube के माध्यम से चिराग ठक्कर के यहाँ आया, तो सर ने मेरे को PH पावर्स की मैनोमेट्री टेस्ट और एंडोस्कोपी की, जिसमें मेरे को हाइड्रस हर्निया सर ने बताया, और नली लगाने के बाद मुझे कोई तकलीफें नहीं हुई, अच्छे से खाया पिया और कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। और बाकी का आगे क्या होता है फिर हम बताते हैं। मेरा नाम महताब आलम है, मैं बिहार के बक्सर के निवासी हूँ। मुझे पिछले 5-6 सालों से एसिड रिफ्लक्स और हाइड्रस हर्निया की शिकायत थी। कल मेरी PH स्टडी की जांच हुई, जिसमें एसिड रिफ्लक्स काफ़ी बन रहा था, तो सर ने मेरे को सर्जरी की सलाह दी और कल सुबह हम एडमिट हुए और दोपहर को मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी तकरीबन 2 घंटे तक चली और सर्जरी के बाद मैं 2 घंटे बाद मैं घूम फिर रहा था, लिक्विड भी लिया और खिचड़ी उचड़ी भी खाई, शाम को भी खाया, आज सुबह में भी खाया, नाश्ता किया। मुझे कोई तकलीफ परेशानी नहीं है और आज मेरी छुट्टी भी होने वाली है। मेरा नाम महताब आलम है, मैं बिहार के बक्सर जिला का निवासी हूँ। मैंने बताया कि मुझे 6 सालों से एसिड रिफ्लक्स और हाइड्रस हर्निया की समस्या थी, तो मेरी सर्जरी हो चुकी है और मैं सर्जरी के 2 दिन के बाद फॉलोअप के लिए आया हूँ सर से दिखाने के लिए। और मुझे खाने पीने में कोई तकलीफ़ नहीं है, चलने फिरने में भी कोई तकलीफ़ नहीं है। और सर सर को आज दिखाने के बाद आज मेरी ट्रेन है, मैं फिर अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊँ। मेरा नाम महताब आलम है, मैं बिहार का निवासी हूँ, सर जिले का। मैं पिछली बार वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरी सर्जरी के 6 महीने हो गए। मुझे बिल्कुल आराम है, कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं सब कुछ खा सकता हूँ। अब एंटासिड दवाइयाँ भी मेरी बंद हो गई है और पहले से मुझे काफ़ी आराम है, बाकी की कोई तकलीफ नहीं है।